कुछ देर पहले पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हुई। कजान से आई तस्वीरें आपने देखी हो। इस बीच दोनों देशों के बीच सीमा पर तनाव कम होने की भी खबरें हैं। मोदी जिनपिंग की मुलाकात की तस्वीरों में चीन के लिए जो मैसेज छिपा है आज वो भी आपको बताएंगे। पर बड़ा सवाल ये है कि क्या चीन की दोस्ती पर भरोसा किया जाना चाहिए, क्योंकि दोस्ती का दिखावा करके धोखा देना चीन की पुरानी आदत रही है। कजान में टूट गया जिनपिंग का अहंकार। लौटकर जिनपिंग मोदी से हैंडशेक करने आए। भारत चीन के बीच बॉर्डर पर टेंशन शुरू होने के बाद पहली बार दोनों लीडर मिले, यहां पर हाथ मिले और इसके बाद करीब 5 सालों के बाद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय बातचीत शुरू हुई। हाथ मिलाने के बाद मोदी और जिनपिंग के बीच करीब 50 मिनट तक 1-to-1 बातचीत हुई। ये बातचीत ब्रिक्स की मीटिंग से अलग हुई। गलवान झड़प के बाद पहली बार दोनों देशों के नेता आमने सामने बैठे और उन मुद्दों पर बातचीत हुई जो पिछले कुछ वक्त से दोनों के बीच दिक्कतों की वजह बने। हमारा मानना है कि भारत और चीन के संबंधों का महत्व केवल हमारे लोगों के लिए ही नहीं, लेकिन वैश्विक शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी हमारे संबंध बहुत अहम है। मोदी ने जिनपिंग के सामने बैठकर वो बातें रखी जो चीन के अड़ियल रवैये की वजह से अटक गई थी। पर मीटिंग में बॉडी लैंग्वेज से क्लियर था, चीन के साथ बातचीत और सामान्य रिश्ते तो हो सकते हैं पर कभी भरोसेमंद दोस्ताना संबंध नहीं हो सकते। 5 सालों बाद बायलैटरल हो रहा है शी जिनपिंग और हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच में, तो बहुत कुछ मुद्दे होंगे, पेंडिंग होंगे, जो कि आगे चलने चाहिए। जैसे भारत कहता था, जब तक बॉर्डर टॉक्स नहीं आगे बढ़ेंगी तब तक हम दूसरी चीजों में आगे नहीं बढ़ेंगे। अब थैंकफुली कल LAC को लेकर के कुछ मामला थोड़ा सुलटा है, तो अब भारत चाइना के साथ ब्रॉड एंगेजमेंट डेफिनेटली बढ़ा सकता है। उस एंगेजमेंट में हमारा इंटरेस्ट ये होगा कि लॉन्ग टर्म के लिए इस LAC पे शांति का मॉडल कोई बने। दोस्त कैसे होते हैं ये मोदी पुतिन की तस्वीरों से समझिए। ब्रिक्स के मंच पर दोनों नेता आए, हाथ मिलाया और फिर पुतिन ने मोदी को गले लगाई। ब्रिक्स से आई इन दो तस्वीरों का अंतर समझिए। एक तरफ मोदी पुतिन की अटूट दोस्ती है तो दूसरी तरफ मोदी जिनपिंग का ऐसा संबंध है जिसमें दोस्ती बनाए रखना चीन की मजबूरी है और चीन के वादों को सबूतों पर परखना भारत के लिए चैलेंज। जिनपिंग की ये चाल भारत भी समझता है, इसलिए बातचीत की टेबल पर ही मोदी ने भारत का देशहित जिनपिंग को बता दिया। म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी हमारे संबंधों का आधार बने रहना चाहिए। आज इन सभी विषयों पर बात करने का अवसर मिला है। मुझे विश्वास है कि हम खुले मन से बातचीत करेंगे और हमारी चर्चा कंस्ट्रक्टिव होगी। माना जाता है मोदी जिनपिंग को एक साथ खड़ा करके पुतिन ने कूटनीति का मास्टर स्ट्रोक चलाया। अक्टूबर 2019 के बाद अक्टूबर 2024 में मोदी और जिनपिंग के बीच पहली बार औपचारिक द्विपक्षीय बातचीत हुई। गलवान झड़प की वजह से 2019 से 2024 तक मोदी जिनपिंग के बीच कोई 1-to-1 मुलाकात नहीं हुई। माना जा रहा है LAC पर दोबारा पेट्रोलिंग का समझौता होने के बाद रिश्ते सामान्य होने की तरफ बढ़ सकते हैं। ब्रिक्स के सदस्य देशों की फैमिली फोटो के दौरान दोनों देशों के रिश्तों के पटरी पर आने के संकेत मिलने लगे। उस मंच पर पुतिन के लेफ्ट में मोदी और राइट में जिनपिंग थे। इससे पहले कल के डिनर में भी लगातार पुतिन के साथ मोदी और जिनपिंग दिखाई दिए। आज की तस्वीरों में चीन और अमेरिका के लिए बड़ा मैसेज है। चीन ने सीमा पर मनमाने फैसले लेने की कोशिश की लेकिन उसका प्लान फेल हो गया और मजबूर होकर उसे LAC पर किए गए बदलावों से पीछे हटना पड़ा। इसी तरह अमेरिका ने भारत पर खालिस्तानी आतंकी पन्नू समेत दूसरे मुद्दों को लेकर दबाव बनाने की कोशिश की, पर आज जिनपिंग से हाथ मिलाकर मोदी ने अमेरिका को बता दिया कि भारत की स्वतंत्र विदेश नीति कभी किसी दूसरे देश की लाइन को फॉलो नहीं करेगी। वैसे आज दोनों लीडर्स ने हाथ मिलाए पर अब आने वाला वक्त बताएगा क्या इस बातचीत से रिश्तों पर जमी गलवान की बर्फ पिघल गई। कजान से सिद्धांत सिब्बल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।